भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां मिलकर इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि वो शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, नॉन वायलेंट है। उनकी वही सबसे बड़ी शक्ति उनसे छीनने की कोशिश भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के एजेंट कर रहे हैं। ये तस्वीर 7 रेसकोर्स रोड की, 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है। और इसमें एक तरफ, इस तरफ सनी देओल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी की उस ओर वो शख्स खड़ा है जिस शख्स ने कल उस वारदात को अंजाम दिया। वो शख्स खड़ा है जिसने इस पूरे आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची। जो शख्स खुद लाल किले पर मौजूद था और जिसकी अगुवाई में जो लाल किले पे घटा, जो तस्वीरें, जो वीडियो हम सब ने देखे, वो इस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। ये प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और प्रधानमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक क्यों ना हो, मोदी जी का अंधभक्त क्यों ना हो, वो भी 7 रेसकोर्स रोड, 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। यानी कि बहुत पहुंचा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंचकर उनके साथ मुस्कुराते हुए, उनके साथ खड़े होकर चिपक कर फोटो खिंचवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे साफ हो जाता है कि दीप सिद्धू नाम का ये शख्स जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है। यही नहीं, ये देश के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के सबसे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह जी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर, बहुत ही प्रेम पूर्वक अमित शाह जी उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हैं हंसते हुए। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बहुत ही प्यार वाले माहौल में उनके साथ चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और ये दीप सिद्धू नाम का शख्स जो विभाजनकारी सोच रखता है और जो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था।